बैंक लोन। हाँ जी, आज इंडिया के अंदर यूथ की सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है अब बैंक लोन लेना। भैया आजकल तो गांवों के अंदर तो अब लोग डरते हैं बैंक लोन लेने से, कर्जा हो जाएगा कर्जा हो जाएगा। कोई बात नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को, यहीं से पढ़ ले तू, यहीं से बीटेक कर ले, 6000 रुपए अब साल की फीस के अंदर बीटेक कर ले तू, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कर्जा हो जाएगा। अब आज एवरेज हाउस होल्ड इंडिया के अंदर घरों की जो इनकम है वो है 1.5 लाख रुपए एक पूरे परिवार की, जिसके अंदर 5 लोग हैं, 3 बच्चे और 2 मम्मा डैडी हैं, उनकी इनकम है आज 1.5 लाख रुपए एक साल की। अब और कॉलेजों की फीस कितनी है, आप 20 लाख, आप 25 लाख आपको लोन तो लेना पड़ेगा भाई साहब। अब आप लोन लेने जाते हो, बैंक के पास जाते हो आप, अब बैंक कैसे करता है ये सारा का सारा खेल है बैंक का। हाँ जी, बैंक सबसे पहले तो ये चाहता है कि मैं अपना लोन कैसे सिक्योर करूं भैया। अब वो आपको फंसाता है, वो आपको बोलेगा अब आप अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर दे दो भैया, आप अपने गहने दे दो, कोलेटरल दे दो हमें, अब अपना लोन सिक्योर कर लेता हूं। वैसे ये जो ब्रांचेज होती है अब इनके ऊपर प्रेशर रहता है, भैया तुम्हारा लोन जो है गायब नहीं होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन लोन दे रहे हो, इसका मैं रिटर्न चाहिए, मैं इंटरेस्ट चाहिए। अब बैंक क्यों काम करता है, बैंक को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, उसको भी अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है, उसको भी इन्वेस्टर लाने अपने बैंक के अंदर। बैंक यही चाहता भैया मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा कमाना है मेरे को, इसीलिए बैंक है वो। अब बैंक आपको ये बोलता है भैया अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दो, अब अपना गहने सारे जवाहरात सारे प्रॉपर्टी के पेपर सब कुछ जमा करा दो मेरे पास। हाँ जी, सब कुछ दे दो मेरे। अब इसके अंदर भी बहुत सारे स्कीम आ गए हैं। हाँ जी, अब ये क्या करता है, अब ये बहुत प्रकार के एजेंट आ गए आजकल, बैंक भी बहुत प्रकार के आ चुके हैं। आप कुछ एथिकल बैंक है, कुछ अनएथिकल बैंक है। अब ये क्या करता है, ये आपके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज जोड़ देते हैं भैया बहुत ज्यादा। आप कोई बात नहीं, आपका एप्लीकेशन सबमिशन चार्ज है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज, या आपका विजिटिंग चार्ज। हाँ जी, इसके बाद भी नहीं रुक रहा वो, अब मैं आपका लोन वेरीफाई क्यों करूं भैया, अब थोड़ा ऊपर का देना पड़ेगा मेरे को, अब थोड़ा ऊपर का दोगी अब तो मैं वेरीफाई कर दूंगा। आप कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर से भी कमा लेगा वो, आपका लोन अप्रूव कर दिया भैया, 10 लाख का लोन अप्रूव कर रहा हूं मैं। उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा कैसे काटना चाहेगा वो, आपको ज्यादा से ज्यादा काटता हूं मैं इसको। अब क्या करेगा वो हाई इंटरेस्ट अब का स्कीम लगा देगा आपके ऊपर। हां जी भैया, आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ड्यूरेशन क्या करेगा, अब ड्यूरेशन उसकी कम कर देगा। एजुकेशन लोन के अंदर बेसिकली क्या होता है, एजुकेशन लोन के अंदर एक बच्चे को पैसे मिलते हैं 10 लाख आपको मिले। हाँ जी, आपकी फीस जाती है सेमेस्टर वाइज, आपकी पहले सेमेस्टर की फीस जमा हुई, दूसरे सेमेस्टर की हुई, तीसरे सेमेस्टर की हुई, चौथे सेमेस्टर की हुई, ऐसे अलग अलग प्रकार से लास्ट तक जब तक आपकी कंप्लीट होती है कोर्स, तब तक धीरे धीरे पैसे जाते रहते हैं। अब उसके बाद में आपकी नौकरी जो है, अब वैसे तो आज इंडिया के अंदर नौकरी लग नहीं रही है, एसोचैम की एक रिपोर्ट की बात करें, इंजीनियरिंग और MBA के स्टूडेंट 93% स्टूडेंट्स का लोन रिबेक वापस नहीं आ रहा, उनको लगातार बाउंसर्स लग रहे हैं भैया। अब बैंक भी क्या करे, बैंक भी परेशान है, उनको रिटर्न मिल तो छोड़ो, उनको उनके दिव्य पैसे ही वापस नहीं आ रहे। अब कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट उनके बहुत कम है। और उसके बाद आपका बैंक क्या करता है आपके लिए, हाँ जी, बैंक आपको जो लोन दे रहा है वो आपको फर्स्ट डे से ही जितना सारा लोन दिया है सब पे इंटरेस्ट लगा देगा भैया। हाँ जी, आपको 10 लाख लोन दिया है, जिस दिन लोन दिया उस दिन से आपका लोन स्टार्ट कर देगा। हाँ जी भैया, आपका इतना लोन स्टार्ट हो चुका है, 2 साल का इतना हो गया, 3 साल का इतना हो गया, 4 साल का इतना हो गया। लेकिन जो अच्छा एजेंट होगा, अच्छा बैंक वाला होगा, वो क्या करेगा, वो ये करता है भैया आपने आज इतने पैसे निकाले, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लोन इतना रहेगा, अब कोई बात नहीं, फिर जब आप दूसरे सेमेस्टर की फीस जमा कराओगे, दूसरे सेमेस्टर का लोन काटेंगे हम, उसका लोन स्टार्ट कर देंगे। जब आपका तीसरा सेमेस्टर का आप लोन लोगे, अब कोई बात नहीं, जब आप बैंक से निकालोगे उस दिन से आपका लोन स्टार्ट करेंगे। चौथे सेमेस्टर का जिस दिन से आप बैंक से लोन निकालोगे उस दिन से आपका स्टार्ट कर देंगे। अब लेकिन जो 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 आपको जो काट रहा है वो आपके लिए अलग प्रकार की
स्कीम लाता है वो अपना प्रॉफिट चाहता है, सारा का सारा पैसा ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा लूं मैं इससे। उसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं है, इसके बाद ये क्या करते हैं, ये कर देते हैं 4 साल की ड्यूरेशन। हाँ जी भैया, 4 साल की आपकी बीटेक खत्म, आपने पढ़ाई तो कर ली, कोई बात नहीं, अब आप पैसे जमा कराओ। अरे अरे, जो बच्चा है जो बीटेक कर रहा है उसका प्लेसमेंट लग रहा है 3 लाख का। हाँ जी, 1 साल के अंदर वो सिर्फ 3 लाख रुपए कमाएगा तो क्या वो सारा का सारा लोन ही चुका देगा वो? हैं, 24 साल का बच्चा हो चुका है, कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका है, घर वाले शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उसके बहुत सारे खर्चे हैं, दोस्त है, पार्टीज है, हाँ जी, उसको कपड़े खरीदने हैं, लेकिन बैंक ये नहीं सोचता। बैंक क्या करता है, कोई बात नहीं, तेने तूने बीटेक कर लिया कंप्लीट, तू मेरा लोन वापस करेगा 4 साल बाद। लेकिन जो अच्छे बैंक होंगे, अच्छे बैंक क्या करते हैं भैया, वो EMI किस तरह रख देते हैं, तूने बीटेक किया, कोई बात नहीं, अब तेरे को जो 1 साल का टाइम दे देते हैं, तू जो है अच्छी जॉब ढूंढ ले, तूने अच्छी जॉब ढूंढ ली, अब तू ऐसा कर, अब तेरी इजी थोड़ी किस्तें बना देते हैं हम, तेरा इतना लोन है, अब कोई बात नहीं, तू 5 साल के अंदर इतना इतना करके अब 1 महीने की इतनी किस्त जमा करा दियो तू, हाँ जी इतनी किस्त जमा करा दे तू अब। लेकिन जो चीटर बैंक होता है, जिनको खुद का बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो ऐसा नहीं करता, वो करता भैया 2 साल का टाइम दे रहे हैं, 2 साल के अंदर इतना लोन चुकाओ, अब वरना तो आपका जो लोन है उसके ऊपर भी लोन लगाएंगे हम, और जो लोन है उसके ऊपर भी लोन लगाएंगे। आपका लोन इंटरेस्ट रेट जो आपको 8% पे मिला था वो आपको 50% तक पहुंच जाता है। वैसे आज हमारी गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देना चाहिए, बिहार जैसे राज्य के अंदर अब स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाया जा रहा है भैया। हाँ जी, बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट की। वैसे हम आपकी इसके अंदर क्या हेल्प करते हैं, वैसे आज एवरेज अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसकी फीस कुछ एम्स एंड कुछ इंस्टीट्यूट को छोड़ के लाखों रुपए में लग रही है भैया, करोड़ों रुपए का लोन बैंकों से लेना पड़ रहा है आज बच्चों को। अब लेकिन इतना पैसा तो घर वालों के पास है नहीं भैया, अब क्या करेंगे, वो बैंक से लोन ला के देंगे। अब बैंक क्या करता है, अब बैंक आपको काटना चाहता है भैया, ज्यादा से ज्यादा काटेगा वो आपको, कोई बात नहीं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे पास SBI के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर बैंक एजेंट जुड़ चुके हैं, जो कि SBI में काम कर चुके हैं भैया, हजारों सालों का एक्सपीरियंस, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का लोन अप्रूवल कराया है, इजीली कौन सी स्कीम है, सबसे आसानी से कौन सा लोन आपके लिए अप्रूव हो जाएगा, अब कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, अब कितना आपको लोन देना पड़ेगा, हाँ जी भैया कब जमा कराना है। वैसे मेडिकल वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, मेडिकल वाले बच्चे क्या करते हैं, उनको एक बॉन्ड का बहुत बड़ा समस्या आता है। जब भी आप 5 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो, आप बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की ये बॉन्डिंग होती है भैया, आपको 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख फीस तो जमा करानी है, लेकिन आप जो है नौकरी भी बाहर जाकर नहीं कर पाओगे, आपको मेरी बहुत छोटी छोटी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, गांव में जाना पड़ेगा, आपको जो है 10-20 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे तो बच्चे पैसे कमा नहीं सकते। जब मेडिकल की फीस बहुत करोड़ों में लगती है भैया, मेडिकल की आज प्राइवेट कॉलेज की फीस तो इंडिया के अंदर कर्नाटका, केरला, राजस्थान के अंदर स्टार्टिंग ही 75 लाख, 80 लाख रुपए से हो रही है, और एवरेज हाउस होल्ड इनकम आज हमारी 1 लाख, 1.5 लाख और मैक्सिमम 2 लाख। कोई बात नहीं, मैं आपको हमारा प्रीमियम लिंक दे रहा हूं, जिसके अंदर हमारा एक्सपर्ट SBI कस्टमर केयर, HDFC, ICICI के बहुत सारे एक्सपीरियंस बैंक ऑफिसर्स, जो आपको पूरा कंप्लीट गाइड करेंगे, पूरा आपका प्लान बनाएंगे, और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो भी आपकी काउंसलिंग होती है सारी की सारी, आपका कितना कट ऑफ है, एडमिशन प्रोसेस, आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके साथ में आपका सारथी भी हम आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर पूरा 4 साल का कंप्लीट सपोर्ट, प्लेसमेंट सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, वो भी सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस के अंदर। हाँ जी भैया, आपको आपको इंडस्ट्री में कौन सी रिक्वायरमेंट चल रही है भैया? हाँ जी, आप फ्रंट एंड कर रहे हो, बैक एंड कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, MBA, BBA, BCA,
आपका कॉलेज आपको स्किल नहीं सिखा रहा, इंडस्ट्री में जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आपको सिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम आपको पूरे 4 साल के अंदर कंप्लीट सिखा देंगे, आपकी इंटर्नशिप भी लगा देंगे, आपको लोन के लिए ऑफिसर भी दे देंगे, पूरा कंप्लीट आपको वो गाइड भी कर देगा, इसके बाद में आपको कॉलेज नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, वो भी आपको दिला देंगे, वो भी सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस के अंदर दिला देंगे। इससे और बड़ी खुशी देश के लिए क्या हो सकती है। आपके इस सब प्यार की वजह से ही हम ये सब कर पाए हैं। आप जरूर से जाके इनरोल कर सकते हो। आप फिर बोल रहा हूं एक बार, मैं कोई नहीं आपकी टक्कर में पड़े हो किस चक्कर में, जल्द से जाके इनरोल कर लो।